गोरखपुर में मंगलवार को 24 घंटे के अंदर केवल 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,261 पहुंच गया। इनमें 20,681 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि मौत की संख्या 352 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 228 रह गई। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडेय ने की है। मंगलवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 5 नए मरीज मिले। इसमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 3 मरीज मिले हैं। वहीं कैंट और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 1-1 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 10 नए मरीज मिले हैं। इसमें कैपियरगंज, भटहट और पिपराइच में 1-1 और चरगावा में 7 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडेय ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडेय ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।